में छह मीटू कैंपेन की आंच मोदी सरकार के मंत्रालय पर भी पड़ गई है। पत्रकार से कांग्रेस नेता बने और फिर बीजेपी का कमल थाम कर सीधे मोदी सरकार में एंट्री मारने वाले एमजे अकबर पूरे फंस गए हैं। उन पर पत्रकार और संपादक रहते हुए कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये मामले पुराने हैं, लेकिन मीटू कैंपेन के जरिए पीड़ित महिलाएं सामने आकर अपनी आपबीती बता रही हैं। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर जब एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे थे तो वो विदेश दौरे पर थे। वहां से लौटते ही उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब घेरा तो बाद में बयान जारी करने की बात कहकर आगे बढ़ गए। हालांकि नाइजीरिया दौरे से लौटे एमजे अकबर ने 14 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए बयान जारी कर कानूनी कार्रवाई की बात कही। जारी बयान में मीटू कैंपेन की ओर इशारा करते हुए एमजे अकबर ने कहा कि आखिर ये तूफान आम चुनाव के कुछ महीने पहले ही क्यों उठा। दूसरा सवाल दागते हुए कहा कि ये क्या एजेंडा है। इन झूठे और आधारहीन आरोपों ने मेरी प्रतिष्ठा और सद्भावना को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। मैं अपने ऊपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। ये सभी आरोप द्वेष भावना से लगाए गए हैं। मैं ऑफिशियल टूर पर बाहर था, इसलिए पहले जवाब नहीं दे पाया। कुछ तबकों में झूठे आरोप लगाने की बीमारी हो गई है। अब मैं लौट आया हूं और आगे क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में मेरे वकील देखेंगे। मीटू कैंपेन में घिरे एमजे अकबर के बहाने कांग्रेस भी मोदी सरकार पर निशाना साधने लगी है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मीटू के आरोपियों के खिलाफ निर्भया जैसा आंदोलन चलाए जाने की मांग की। इनके केस में कोई एक दो व्यक्ति नहीं है, कई लोग हैं। कई इनके साथ में काम करने वाले या इनके जूनियर में काम करने वाले जब ये पत्रकार थे और फुल स्केल पत्रकार थे, तो वहाँ से करीबन ऑलमोस्ट जो खबरें हैं 12-14 लोगों ने इस बात को कहा है। अब 12-14 लोगों में क्या आपस में कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र था, क्या था? मतलब इतना ज़्यादा हल्की बात इसमें अकबर साहब कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपका पक्ष है तो उस पक्ष को भी गंभीरता से रखिए ना। मैं मान सकता हूँ आप अपनी रक्षा सुरक्षा में कोई भी बात कहना चाहें, भले मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो, लेकिन आप कम से कम इस विषय को गंभीरता से तो लीजिए। जो मीटू कैंपेन है ये कोई हल्का कैंपेन नहीं है। इस देश में बहुत सालों बाद दबी हुई आवाज़ें सामने आई हैं, लोगों ने बड़े गर्व गौरव से बड़ी हिम्मत से अपनी बातें कही हैं। इसको इतनी छोटी चीज़ में थोड़ी कोई झुठला सकता है। मुझे लगता है कि न केवल इन्होंने एक गलत बयानी की है, बल्कि पूरे कैंपेन को झुठलाने की कोशिश की है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता नहीं है, ना उनके प्रधानमंत्री में है कि ऐसे लोगों को बाहर निकालें, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, ना उनके मंत्रियों में है। तो मुझे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो लोग कोई भी नैतिक काम या सही काम करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके का बवाल और जिस तरीके के सड़कों पर उतर के निर्भय के समय महिला आंदोलन के लोग और पूरे देश के खासकर युवा वर्ग के लोग सड़क पर आए थे, एमजे अकबर टाइप के लोगों के खिलाफ भी इस तरीके से प्रेशर बनेगा, ये मेरी आशा है। आपको बता दें कि पूर्व पत्रकार और केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के अलावा दवायर के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर भी एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस आरोप पर हालांकि विनोद दुआ ने चुप्पी साध ली है।